नायरा के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। नायरा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। नायरा के चाचा नैतिक नायरा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन नायरा की चाची अक्षरा नायरा से बहुत जलती थी और नायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन नायरा हर बात भूलकर आगे बढ़ने वालों में से थी। वो हर काम बड़ी समझदारी से करती थी। एक दिन नायरा अपने चाचा से कहती है, चाचा जी, कल आपको कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुलाया है क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर चाची बहुत ज्यादा जलती है और नैतिक से कहती है, कोई इसने इतना बड़ा तीर नहीं मारा, अब इसका स्कूल भी छुटवा दो क्योंकि मुझे घर के काम में परेशानी होती है। ये सुनकर नैतिक अक्षरा से कहता है, हमारी बिटिया एक तो क्लास में फर्स्ट आई है और ऊपर से तुम उसका स्कूल से ही नाम कटवा रही हो। लेकिन अक्षरा नैतिक की एक नहीं सुनती और उससे लड़ाई करके नायरा का स्कूल से नाम कटवा देती है। अब अक्षरा नायरा से खूब घर का काम करवाती थी और उससे कहती थी, काम को ठीक से कर, जल्दी काम सीख जा, सब तुझे ही करना है। नायरा बेचारी अपने मन ही मन रोती रहती थी। एक दिन नायरा खाली समय में बुक्स पढ़ती है, फिर अक्षरा आकर उसकी बुक फेंक देती है और उससे कहती है, मैंने तुझसे मना किया था ना, तूने फिर भी किताब पढ़ ली, अगर आगे से ऐसे करेगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अक्षरा टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ एक बड़ा सा अजगर सांप आ जाता है और अक्षरा के पास आगे बढ़ता है। फिर अक्षरा चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई सांप से बचाओ, कोई सांप को भगाओ। फिर नायरा अक्षरा की आवाज़ सुनकर कमरे में आती है और एक डंडा लेकर उस सांप को मारती है, लेकिन सांप गुस्से में आकर नायरा को खा जाता है। फिर नायरा बड़ी हिम्मत से सांप को मार डालती है और फिर नायरा बेहोश हो जाती है। उसके बाद अक्षरा नायरा को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डॉक्टर अक्षरा से कहते हैं, हमने खून निकाल दिया है, नायरा अब जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर अक्षरा और नैतिक बहुत खुश होते हैं। फिर अक्षरा नायरा से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, तूने हमेशा से मुझे अपनी माँ समझा और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। फिर नायरा कहती है, कोई नहीं चाची, अब हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। फिर अक्षरा और नैतिक दोनों मिलकर नायरा को खुश रखते हैं और अक्षरा नायरा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, नायरा पर हमला किसने किया? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।